Okay, good morning. Good morning, dear students. Good morning, sir. Okay, तो आज तक मैं तो अभी तक टेंथ का कभी क्लास नहीं लिए, तो आज मैं टेंथ का कुछ सैंपल पेपर करा देता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारा टेंथ का क्लास था मैथ, तो मैथ सर थोड़ा सा किसी काम में गए होंगे, तो इसीलिए मैं टेंथ का क्लास ले रहा हूँ और टेंथ का मैं सैंपल पेपर करता, ठीक है। सैंपल पेपर का जो सैंपल पेपर यानी मॉडल पेपर जो दिया गया, उस मॉडल पेपर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो पहला फर्स्ट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा देते हैं। देखो यहां पर हम लोग करेंगे मॉडल पेपर ना, अब मॉडल पेपर जो है यहां पर मॉडल पेपर का सेट वन करेंगे हम लोग आज, सेट वन, ठीक है। अब सेट वन करेंगे आज मॉडल पेपर का। चलो तो मॉडल पेपर का सेट वन क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तुम्हारा क्या होगा इसमें, जैसे यहां पर टोटल तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेंगे, हाँ ये मॉडल पेपर याद रखोगे कौन सा साल का है, ये हमारा 2021 से लेके 22 का है, ठीक। और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा, देखो यहाँ पर पहले तो मैं बता देता हूं टेंथ के लिए, है ना, तो विज्ञान साइंस है, सब्जेक्ट हो गया साइंस, और उसमें समय मिलेगा तुमको 1 घंटा 30 मिनट, और इसमें पूर्णांक होगा 40, फुल मार्क्स जो होगा वो 40। ओके, अभी 40 में तुम्हारा क्वेश्चन कितना रहेगा, तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा 40, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा, और कोई देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि गलत हो जाएगा तो काट लेगा, तो तुक्का भी लगा देना। बाय द वे अगर मुझे जान, अच्छा कोई क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, जानते नहीं है, कम से कम छोड़ के नहीं आना है, चारों में से किसी एक को मार देना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये बात सारे बातों पर ध्यान देना है, और हर क्वेश्चन तुम्हारे लिए कंपलसरी है, हर क्वेश्चन तुमको करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, हमको डरना किस बात की है, जबकि कोई नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं, है ना। तो अब हमारे यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक एक करके सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला जो है हम केमिस्ट्री का कराएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट, तो हम लोग केमिस्ट्री पार्ट को करेंगे। केमिस्ट्री पार्ट करेंगे, बायोलॉजी सर बायोलॉजी पार्ट कर देंगे, फिजिक्स सर हो सकते कि फिजिक्स पार्ट करा दे, या तो तुम्हारा जो मैडम पढ़ाती है मैडम हर पार्ट को करा दे, ठीक। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है तो क्वेश्चन से थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो गया ये 14, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 14 से, क्वेश्चन 14 है, इसमें क्या लिखा है मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि मुझे हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैं बता देता हूं और आप लोग लिखते जाओगे। देखिए दिए गए प्रक्रम में कौन उष्मा छेपी है, दिए गए प्रक्रम में कौन उष्मा छेपी है, मतलब नीचे कुछ ऑप्शन है, रिएक्शन है, प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है, उनमें से कौन सा उष्मा छेपी प्रोसेस है, यानी उष्मा छेपी रिएक्शन है या प्रोसेस जो भी बोलो, तो इसलिए प्रक्रम उष्मा छेपी होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, इसका ए में ऑप्शन है श्वसन है, श्वसन लिखो श्वसन, देखो हमको लिखने में एक एक अक्षर देख के लिखना पड़ेगा, ये हुआ। बी में है पाचन, है ना, बी में पाचन है, ऐसे धीरे धीरे लिखने से लिख पाएंगे ऐसा नहीं। फिर है सी में उत्सर्जन, देखो हमको लिखने में बड़ी दिक्कत होता है,
और हो गया तुम्हारा बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? तनवाहन है सर। हाँ ये ठीक है, सही पकड़े हैं। अब देखो मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है कि क्या करे, मेरा मीडियम जो हिंदी था ही नहीं। ओके ये देखो, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और संवहन। तो मैं बोल रहा क्या उष्मा क्षेपी कौन होगा इसमें, कौन बताएंगे? श्वसन होगा सर। श्वसन, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है श्वसन में क्या होता है, एक्चुअली हम लोग जब सांस लेते इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, और उस ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद हमारा क्या होता है, उस ऑक्सीजन जाके हमारा फूड का ऑक्सीडेशन कराता है, जो खाना खाते हैं उसका हम लोग का ऑक्सीडेशन होता है, है ना। तो उसमें फिर क्या होता है, हमारा बॉडी में हीट बनता है। जैसे हम लोग कभी दौड़ते हैं, है ना, दौड़ते तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर हीट आता है कि नहीं, तो सांस ज्यादा चलता है, श्वसन प्रक्रिया बढ़ जाता है। तो जितना हमारा ये श्वसन से जो हमारा बॉडी जो गर्म हो रहा है वो कहां से हो रहा है, श्वसन। और जिस प्रोसेस में, जिस अभिक्रिया में तापमान का उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी मतलब जिसमें ताप बढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं चूना पे पानी डाल दूं तो क्या होता है, चूना गर्म हो जाता है, तो ये उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी मतलब जिसमें हीट बनेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो श्वसन में हीट बनता है, इसीलिए हमारा बॉडी जो गर्म होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37। तो ये जो टेम्परेचर कहां से आ रहा है, इसी श्वसन प्रक्रिया से आ रहा है, तो ये उष्मा छिपी हो गया। ओके अब हम लोग लेते हैं 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखो, क्वेश्चन को लिखो, जल्दी लिखो। चिप्स के, लिखो चिप्स के, लिखो चिप्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, कौन सी? नाइट्रोजन। वेरी गुड, नाइट्रोजन गैस को डाली जाती है। तो लिखो चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो यहां पर ऑप्शन में है, ए में, ऑप्शन ए में लिखा है ऑक्सीजन, लिख लो ऑक्सीजन। बी में लिखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और सी में है हाइड्रोजन। और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये में हमारा नाइट्रोजन होते हैं चिप्स के पैकेट में, इसको डाला जाता है अब विकृत गंधिता से रोकने के लिए। आप कोई बता सकते हैं कि एक्चुअली विकृत गंधिता क्या है, कौन बताएंगे? विकृत गंधिता मतलब हो गया, इसको रैंसिड बोलते हैं। हाँ, रैंसिडिटी जो होता है, हाँ, खट्टापन आ जाता है। बोलो सर, जब खाने की चीजों को बहुत लंबे समय तक कैसे छोड़ दिया जाता है ना खुले में, तो उससे विकृत गंधिता उत्पन्न होता है। क्यों होता है, क्यों खाने को छोड़ दिया, तो क्यों मैं अगर फ्रिज में रखूं तो उतना आसानी से क्यों नहीं होता है, बाहर में रखते हैं आसानी से हो जाता है, क्यों? ऑक्सीजन से विक्रिया करके। यस, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है। ऑक्सीजन से कभी भी वो जुड़ता है तो उस खाने का यानी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी उपचयन होता है। जब उपचयित हो जाएगा तो उपचयित होने से वो खाना क्या होता है, सड़ने लगता है। ओके ये करेक्ट, ठीक है, यानी उपचयन होता है रैंसिड। ओके अब देखो ये नाइट्रोजन गैस तो इसलिए डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस जो होते हैं ये अक्रिय गैस मतलब किसी के साथ रिएक्शन आसानी से नहीं करता है, किसी के साथ आसानी से रिएक्शन अभिक्रिया आसानी से नहीं करता है। जैसे ऑक्सीजन कर लेता है, नाइट्रोजन नहीं करता है। तो चिप्स के पैकेट में अगर नाइट्रोजन भर देंगे तो उस खाने के चीज को पूरा नाइट्रोजन से पूरा चारों तरफ घिरा हो रहेगा,
नाइट्रोजन से भरा हो तो उस गैस क्या करेंगे, खाने की चीज को ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में आने नहीं देगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आने नहीं देगा, तो फिर हमारा क्या होगा, खाना बहुत दिन तक सही रहेगा, सड़ेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 लिखो। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार अभिक्रिया, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जल्दी सब लिखो, जंग लगना, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ए है, ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में लिखो संयोजन। संयोजन बी में वियोजन, एक मिनट, हेलो, हाँ भाई, ये तो पड़े, ওইটা দিয়ে তো ইনকাম সার্টিফিকেট দিবে ওখান থেকে, ঠিক আছে, না 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 না, হ্যাঁ না ওটা লাগবে না, ওটাই তো সংযোজন। নেক্সট, সরি, বিয়োজন হোগা, আর সি হ্যায় বিস্থাপন, विस्थापन, और दी विस्थापन, दी हो गया, सिर्फ दी लगा दो, दी विस्थापन, दी विस्थापन, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, कौन बताएंगे? संयोजन, संयोजन, सर ऑप्शन नंबर ए, संयोजन, जंग लगना संयोजन। अच्छा, किसी कोई बताएंगे जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला कौन बताएंगे, जंग का फॉर्मूला? ए लेस्लीगंज, किधर किधर तुम लोग भाग रहे हो लेस्लीगंज के बच्चे? जेड हैन। अच्छा बोलो, संयोजन का फॉर्म, ए जंग का फॉर्मूला क्या होगा? जंग, जंग मालूम है, जंग का फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला क्या होगा? देखो कोई नहीं बता रहे, ये देखो, जब आयरन को, आयरन को हम लोग H2O मैंने मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाते हैं, है ना, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर के कांटेक्ट, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो इसमें हम लोग जंग लगता है, कैसे लगता है, वहां पर Fe2O3 बनता है और XH2O, ये हो गया जंग का फॉर्मूला। लास्ट, अरे बात समझ में, यही राष्ट्र मतलब होता है जंग, जंग का फॉर्मूला याद रखो Fe2O3, इधर भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला भूल जाओगे XH2O, मतलब कुछ अमाउंट वाटर भी रहता है ना, तो इसको भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना जंग वाला Fe2O3। मैं और एक चीज बता रहा हूं, ये हो गया जैसे मॉइस्चर हो गया या वाटर हो गया, है ना, लेकिन यही अगर आयरन को मैं H2O के साथ रिएक्शन कराता हूं, लेकिन कौन सा होगा उस केस में, अगर मैं ये ले लेता हूं, क्या लेता हूं, स्टीम, स्टीम मतलब समझ रहा ना, पानी जब गर्म करेंगे उबालने के बाद जो H2O का वेपर बनता है, अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, Fe3O4। इस बात को ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही H2O है लेकिन दोनों में अलग अलग कंपाउंड मिला, याद रहेगा, जब सीधा सीधा पानी के साथ या आर्द्रता होता है जो ह्यूमिडिटी होते हैं या हवा के, वायु के, मैंने अगर बोला कि एटमोस्फियर के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में, तो ये बनेगा, लेकिन बोलेगा कि स्टीम यानी गर्म जो जलीय वाष्प होते हैं उसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो Fe3O4।
दोनों में H2O लेकिन प्रोडक्ट अलग है, तो दोनों को याद रहेगा, दोनों को याद रखना। तो इसमें जुड़ गया है ना, इसमें ज्यादातर क्या होता है, जुड़ जाता है, इसीलिए यहां पर हो जाता है हमारा संयोजन होगा, है ना, यहां पर ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ जाता है, इसलिए संयोजन है। ठीक है, अच्छा संयोजन, हाँ ठीक तो है, इसमें जुड़ जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखो, दिए गए, जल्दी उतारो, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो देखो रिएक्शन क्या दिया, ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, इससे बनाया जिंक प्लस CO, ये बना। ठीक है, अब देखो इसमें हमको बोला है, इसमें उपचयन किसका हुआ, किसका हो रहा है उपचयन, ए ZNO, बी सी और सी का जिंक और डी का CO, किसका उपचयन हो रहा है बताओ, इसमें किसका उपचयन हो रहा है सर, बी होगा, बी ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, वेरी गुड, जो कार्बन का वही होगा, कार्बन होगा क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको उपचयन बोलते हैं, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का उपचयन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका उपचयन होता है, तो किसमें ऑक्सीजन जुड़ा, देखो पहले कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था उसमें जुड़ गया ऑक्सीजन, यानी कार्बन का उपचयन हुआ। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये उपचयन होगा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका होता है अपचयन, इसमें उपचयन उसमें अपचयन। ओके क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, चार समीकरण दिया गया उसमें संतुलित वाला को निकालना है, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ए, अब बताना होगा संतुलित वाला कौन सा है, ए में लिखा है CaOH2 प्लस CO2, इससे बनाया CaCO3, थोड़ा किताब में गलती दिया है क्वेश्चन में, CaCO का होल 3 कर दिया उन लोग, कर दिया CaCO का होल 3, नहीं वैसा फॉर्मूला कभी बनता ही नहीं है, CaCO3 होगा प्लस H2O, एक हुआ, बी में है H2O2, H2O, 2H2O, ठीक है, सी में 4Al प्लस 2O2, यहां से बनाया 2O2, यहां से बना Al2O3, ओके, और डी 2Cu प्लस O2 CuO। आप बताओ तो संतुलित कौन है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो गया संतुलित, देखो तो ए CaCa, एक कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ, दो चार, यहाँ 3 1 4, और यहाँ दो हाइड्रोजन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हो गया संतुलित, बाकी कोई संतुलित नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 19,
किधर आवाज आ रहा है जी, बंद करो। 19 क्वेश्चन को लिखो पहले। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, एडजस्ट कर लेना। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण, वो तो हो गया। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ओके, इसमें हमको क्या करना है, कौन सी अभिक्रिया पता कैसे लगाएंगे? इसके लगाने के लिए देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जो अब चित्र लिखा है, चित्र तो नहीं है, यहाँ रिएक्शन दे दिया, CuCl2, माने यहाँ पर चित्र नहीं है, एक्चुअली रिएक्शन दिया, इसमें चित्र लिख दिया। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? PbCl2 plus Cu। अब बताओ तो इसमें लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन लिख रहा हूं, संयोजन ए में लिखो, संयोजन बी में लिखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी के बाद सी में लिखो वियोजन, और डी में लिखो विस्थापन। मैं बता रहा हूं फिर से, ए संयोजन यानी को संयोजन, बी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी वियोजन, डी विस्थापन। डी विस्थापन। यस, क्यों विस्थापन हो रहा है बताओ, विस्थापन क्यों हुआ? विस्थापन तो है लेकिन क्यों हुआ, बता सकते हो विस्थापन क्यों हुआ? सर पीवी मतलब सीयू को हटा दे रहा है सर, वो अपना मतलब जगह उसके जगह पर बैठ जाए। हाँ, वेरी गुड। पीवी जो है लेड जो है, सीसा जो है, वो कॉपर को हटा रहा है, वेरी गुड, इसलिए विस्थापन हुआ, उसके जगह वो ले लिया, यानी एक्सचेंज कर लिया। मैं कह रहा हूं अगर इसको तो वो विस्थापन हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूं पीवी क्यों कॉपर को विस्थापित किया? अगर मैं ऐसा लिख देता, मान लो पीबी सीएल टू और CU लिखा, माने उल्टा, इधर क्यों नहीं हो रहा है? मैंने PbCl2 को CU के साथ कर रहा हूं, तो ये इसको हटा के ये वाला क्यों नहीं बन रहा है, माने उल्टा वाला क्यों नहीं हो रहा है, इधर वाला क्यों नहीं हो रहा है? इधर अगर हो रहा है तो इधर क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। ये तो है, ये जाके उसको हटा दिया, ये बन गया, क्यों नहीं हो रहा है? मेरी बात समझ में आया? इधर से ये हो गया, ठीक है, मैं कह रहा ये इसको हटा के ये बन जाएगा उल्टा करके, इधर से ऐसे कर देंगे तो वो उल्टे वाला रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर कॉपर जाके पीवी को हटा दिया, आ जाके ये बन गया, जब ये से यहां बन रहा है तो इससे इधर क्यों नहीं बन रहा है? अरे बात समझ में, मेरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों, कौन बताएंगे? सिर्फ रट के रखने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए ना। यहां पर ये जो है इसका कारण क्या होता है, वो मेटल जो धातु है उसका सक्रियता के हिसाब से होता है। धातु का अगर सक्रियता का हमें अगर सीरीज देखता हूं उसका रिएक्टिविटी, तो ये लेड यानी सीसा कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और हम लोग जानते हैं मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट है, इसका ये सॉल्ट सॉल्यूशन से इसको हटा सकता है, ये क्यों हटा सकता है? दिस इज मोर रिएक्टिव, ये बात को लिखो, दिस इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मतलब सक्रिय ज्यादा है, मोर रिएक्टिव कौन? लेड। कॉपर लेस रिएक्टिव, हाँ, तो मोर रिएक्टिव वाला हमेशा लेस को हटा सकता है, लेस वाला मोर को नहीं हटा सकता है, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर को हटा के इधर वाला नहीं हो सकता है। यस सर, कॉपर सर कम क्रियाशील धातु है। यस, इस बात को, इसीलिए अगर मैं कॉपर के साथ HCl का रिएक्शन कराता हूं तो नहीं होता है। कॉपर के साथ HCl का रिएक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर H को हटा नहीं सकता है कॉपर, क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी रिएक्टिविटी कॉपर का कम है, इसलिए HCl के साथ कॉपर का रिएक्शन नहीं होता है। जिंक के साथ हो जाएगा? मेरे बात शायद समझ में नहीं आया।
आ गया सर। अगर मैं ऐसा लिखूं, ये देखो ये चीज, ये देखो मैंने लिखा जिंक प्लस HCl, ठीक है, तो ये बन जाता है Zn, Cl2 सब जानते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस ये तो जानते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं कॉपर प्लस HCl, फिर लिख रहा हूं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन क्यों, यही सेम चीज ना भाई है। अब भाई ये जिंक, जिंक का धातु HCl, कॉपर धातु HCl, इधर हो गया तो इधर क्यों नहीं हुआ, इधर भी ऐसा होना चाहिए था CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन नहीं होता, क्यों, क्योंकि जिंक जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, कॉपर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, ये लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव कभी मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता है, और ये मोर रिएक्टिव और ये लेस, तो ये मोर लेस को हटा सकता है, लेकिन लेस कभी मोर को नहीं, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन ही नहीं होगा, इसको यहां हटाएगा नहीं तो कैसे रिएक्शन करेगा, अरे इसको हटा देके उसकी जगह ये बन गया तो रिएक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि ये इसका रिएक्टिविटी इससे ज्यादा, लेकिन इसका रिएक्टिविटी इससे कम है। सर आप तो जानते हैं इसलिए लिख दिए, बता दिए, हम कैसे याद रखे, ये भी बात है ना कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है, इसका एक सीरीज आता है, रिएक्टिविटी सीरीज, तो देखते हैं अगर टाइम बचता है ना तो लास्ट में इस पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, इसके बाद में लास्ट में उसका एक तुमको ट्रिक सिखा देंगे, एक ट्रिक सिखा देंगे जो आपने हमने स्कूल में सारे बच्चों को सिखा दिए, तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन जैसे HCl ये वाला है, इस तरह का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हमको करना क्या है, वो रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है, और याद रखने के लिए मेरा एक आसान सा ट्रिक है, आसान सा एक ट्रिक बता देंगे, बस उसी से याद कर लो, सब हो जाएगा ये, ठीक है, तो मैं उसको लास्ट में टाइम बचता है तो करेंगे, तो ये बात ये दोनों को भी लिख के रखो, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लिख के रखो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन हुआ, 19, 20 क्वेश्चन, 20 वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी लिखो तो 20 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन को, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, दिए गए प्याज, हाँ दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, गंधीय सूचक, ठीक है, गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर होता है, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर को हम लोग देख लेते हैं, चलो अब यहां पर है गंध सूचक, मतलब होता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, तो वो कौन होगा गंध वाला, तो इसमें ऑप्शन दिया है ए, ए में लिखा है लिखो, ए में लिखो हल्दी, हल्दी, बी में लिखो लिटमास, सी में लिखो चाइना रोज, क्या बोले, हल्दी, लिटमास, चाइना रोज और लास्ट में लिखो डी में प्याज, डी में प्याज, प्याज डी, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन होगा डी प्याज, क्यों बताओ, क्यों प्याज हुआ हल्दी क्यों नहीं हुआ, बताओ, आंसर तो दे दिया बाबू, बता दो थोड़ा सा क्या कारण है, सिर्फ रट के रखेंगे, बताओ ऐसा होगा, ऐसा नहीं चलता है, अगर इसी को मैं थोड़ा घुमा के बोल दूं, देखो अब यहां बताओ तो इसमें कौन कौन तुम्हारा जो इंडिकेटर है वो नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक कौन कौन है, बताओ, बताओ तो, एक मैंने बोला हल्दी, हल्दी बोले सूचक, हल्दी है सर, हल्दी है प्राकृतिक सूचक, और ये हल्दी है तो प्याज नहीं है, प्याज भी है, देखो अब कंफ्यूज हो गया ना, yes. फिर ये लिटमास नहीं है, लिटमास नहीं है प्राकृतिक, इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, लिटमास प्राकृतिक है, हल्दी भी है, इसलिए मैं कहता हूँ एक
लिटमस कैसे सर? मैं बता रहा हूँ कैसा। ए साइलेंट करो। अब देखो इसको याद, मेरी बात सुनो पहले, साइलेंट करो। ए साइलेंट करोगे? अब देखो यहां पर प्याज होगी ऑप्शन डी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा देता हूं, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। देखो सूचक के बारे में सुनो मेरी बात। सूचक जो है सूचित करता है। सूचक क्या है? जो सूचित करता है। क्या सूचित करता है? कौन एसिड है, कौन बेस है ना, और कौन न्यूट्रल है, इसको भी सूचित करता है। तो सूचक सूचित करता है, इसलिए उसका नाम है सूचक। सूचक होता है बहुत तरह का। मैं हल्का सा बता रहा हूँ, हल्का हल्का करके, डिटेल्स में पढ़ने के लिए तो अलग टाइम है। तो सूचक जो है इंडिकेटर है, इसीलिए हम लोग बाइक में जाते नहीं है, कार बाइक तो बोलते नहीं इंडिकेटर जलाओ, इंडिकेटर मतलब सूचक। वो क्या करता है? सूचित करता है, भाई हम दाएं मुड़ेंगे या बाएं मुड़ेंगे वो सूचित करता है, इसीलिए उसको सूचक बोलता है। तो केमिस्ट्री में भी सूचक है, इंडिकेटर है, तो वो थोड़ी रास्ता को सूचित करेगा। यहाँ पर वो सूचित क्या करता है? यहाँ सूचित करता है कि कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा, है ना, इस चीजों को सूचित करता है, भाई कौन न्यूट्रल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो सूचक है। तो हम आते हैं जो इंडिकेट करता है। हम एक चीज तुमको सिखा देता हूँ, इस चार्ट को याद रख लेना, लिख देता हूँ। देखो मैं यहां लिखूंगा नेम ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर का नाम लिख रहा हूं, ठीक है, नेम लिख रहा हूं मैं यहां, इंडिकेटर लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, मैं जैसे लिख रहा हूं ना, इस चार्ट को लिख के रखोगे, कभी गलती नहीं होगा, जो भी पूछे एक भी गलती नहीं होगा। इंडिकेटर, फिर यहां पर लिखेंगे एसिड, यहां लिखेंगे बेस। एसिड में और बेस में कलर क्या चेंज होगा उस चीज को देखेंगे, ठीक है। अब इंडिकेटर में हम पहले लिखेंगे नंबर वन पे यहां पर लिखेंगे, इसमें ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे करके लिख देता हूं, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। तो पहला होगा नंबर वन पे, अच्छा तो थोड़ा सा तुम लोगों को साफ करके और लिख देता हूं, क्योंकि तुम्हारा जगह यहां थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, इधर जगह रखो। यहां टाइप्स किस प्रकार का, फिर यहां इंडिकेटर, ठीक है, यहां पर लिखेंगे एसिड, यहां लिखेंगे बेस। चलो अब देखो टाइप्स, पहला टाइप हो गया नेचुरल प्राकृतिक, ठीक है। दूसरा, अब नेचुरल में कौन इंडिकेटर आता है? नंबर वन पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखो नंबर वन पे हम लोग सबसे हम लोग जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर में होता है लिटमस। सो पहले मैंने लिख लिया रेड लिटमस। आप बोलोगे सर ये नेचुरल कैसे? क्योंकि एक ट्री से मिलता है, एक पेड़ से मिलता है, ये उसका नाम है लाइकेन पेड़, लाइकेन ट्री का पत्ता, उससे एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता है, तो ये प्राकृतिक ही होता है, ठीक है, पेड़ से मिलता है, लाइकेन पेड़, याद रखो लाइकेन, रेड लिटमस। और दूसरा हो गया ब्लू लिटमस, सब जानते हैं ब्लू लिटमस, है ना। तीसरा मैंने लिखा रेड कैबेज, रेड कैबेज। चौथा मैंने लिखा तुम्हारा ये टर्मेरिक हल्दी। ये चार हुआ नेचुरल, याद रहेगा ये चार, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ये रेड कैबेज मतलब जो गोभी होते हैं, लाल वाला एक गोभी आता था, बांधा गोभी है ना, बांधा गोभी, तो बांधा गोभी जो आते थे वो रेड वाला आता है, वो रेड कैबेज यानी लाल बांधा गोभी। और ये तो हमारा टर्मेरिक हल्दी। ये चार को याद रख लो नेचुरल इंडिकेटर, प्रकृति में मिलता है, लिटमस पेड़ से मिलता है, रेड कैबेज बांधा गोभी हो गया, हल्दी में मेरा प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चीज है। इसका कलर एसिड में ये रेड होगा, ये भी रेड होगा,
ठीक है ना, और ये भी रेड होगा, आई बात समझ में, और इसमें जो होगा ये इसमें भी रेड होगा, है ना। और ब्लू लिटमस क्या होता है, एसिड में तो भाई सॉरी यहां पर देख लो, हाँ ऐसे ही होगा, यहां पर हो जाएगा ब्लू, ओके। आप यहां पर रेड कैबेज जो है वो हो जाएगा, बोलो सर आप कैसे इतना याद रखे, मैं और सब लिख दूंगा। ये टर्मरिक जो होगा तो यहां पर हो जाता है तुम्हारा येलो, फिर यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा रेड। अब बोलो सर ऐसे कैसे, अब भी तो ये तो नेचुरल हुआ, इसके बाद सिंथेटिक आएंगे। अब याद रखने के सबसे आसान तरीका कुछ नहीं है, एकदम इजी है, आज से कभी भूलोगे ही नहीं। रेड डॉ, एसिड डॉ, तो एसिड में हमेशा रेड है, यानी रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड रहेगा, बेस में डालेंगे तो बेस में भी रेड क्या होगा, रेडी रहेगा, है ना। अब दूसरा, क्योंकि रेड लिटमस का कलर जो है वो रेडी है, और जिसका कलर जो होता है वो एसिड में, अच्छा ये सॉरी ये ब्लू, गलती लिख दिया था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। रेड लिटमस जो है ये रेडी, देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, टेक्निक सुन लो, अच्छा जो नेचुरल है, जिसका अपना नेचुरल कलर है, नेचुरल रंग है, और नेचुरल जो भी उसका गंध है वो उसी तरह रहता है। देखो रेड लिटमस एसिड में रेडी रहेगा, एसिड में हमेशा अपना चीज को बचा के रखता है, अपने चीज को, यानी रेड कलर रेडी रखेगा। ब्लू लिटमस तो वो हमेशा रेड में चल जाएगा, एसिड में रेड होगा। रेड कैबेज माने गोभी लाल है तो एसिड में लाल ही रहेगा, मतलब अपना जो कलर है उसको बचा के रखता है। और टर्मरिक में देखो, टर्मरिक में क्या होगा, येलो हो जाएगा। अब टर्मरिक को कैसे याद रखेंगे, हाँ ये वाला सुन लो सर, ग्रीन कैसे हो गया, तो रेड वाला देखो, रेड कैबेज लाल गोभी हुआ तो रंग लाल हुआ, तो जो अपना रंग है वो एसिड में होगा, रेड होगा। अब कैबेज हम लोग एक जानते हैं ना भाई, जो गोभी होते हैं उसका दूसरा रंग भी होता है, कौन, ग्रीन ना होता है, हरे रंग का तो होता है, पीला पीला तो नहीं होता है, तो ग्रीन याद रह जाएगा। गोभी जो होते हैं रेड के साथ साथ ग्रीन भी होता है ना, तो दूसरे वाला ग्रीन कर दो। याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं, रेड अपना रंग था तो एसिड में अपने रंग को रखता है, ठीक है ना। इसीलिए अब देखो ब्लू वाला अगर याद करेंगे तो कैसे करेंगे, ब्लू लिटमस, अगर ब्लू लिटमस रेड बन जाता है, ब्लू अगर देखो फाइनली अगर ब्लू हो गया, किसी का कलर फाइनली ब्लू है तो वो हमेशा बेस होगा, फाइनली रेड है। अब बेस को देखो, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, यानी बेस में ब्लू, डी डी फॉर रेड हो रहा है तो यहां भी रेड, देखो डी डी डी, तो एसिड में हमेशा रेड होगा और बेस में ब्लू होगा। यहां देखो, यहां उल्टा हो गया टर्मरिक, इसको याद रखना बहुत, ये तो आसान है, टर्मरिक को याद कैसे रखे, टर्मरिक का अपना कलर कौन सा होता है, हल्दी का भाई, टर्मरिक का, टर्मरिक का, टर्मरिक का अपना कलर येलो होता है ना, तो येलो, हल्दी का अपना रंग तो येलो होते हैं, पीला होता है तो पीला। और याद रखो कपड़ा में, जब खाने खाते समय कपड़ा में, सफेद कपड़ा में कुछ खाना लग जाता है, उसमें साबुन जैसे लगाते हैं तो क्या होता है, लाल होता कि नहीं, तो साबुन क्या है, बेस है, छार है, तो बेस साबुन हुआ। और साबुन का हल्दी में जैसे कपड़ा में लगता है, खाने के वाला कपड़ा कभी धोते समय सफेद कपड़ा में कुछ खाने का चीज लग गया, मैंने हल्दी है, जैसे साबुन लगाते हैं, डिटर्जेंट लगाते हैं, तो तुरंत क्या होता है, रेड में बदलता है। तो रेड क्यों बदला, क्योंकि वो साबुन है बेस, यानी छार में वो रेड होगा। तो याद कैसे नहीं रहेगा, हल्दी अपना रंग पीला, पीला हो गया एसिड में, बेस, बेस भाई उसमें हम लोग क्या हो गया, रेड हो जाता है, क्यों, साबुन लगाने से रेड होता है। तो याद कैसे नहीं रहेगा, ये हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में लाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, ब्लू ट्रांस टू रेड, और ब्लू ही रहेगा बेस में, और इधर वाला रेड होगा उधर ब्लू हो जाएगा, ठीक है नहीं।
चलो ये बात तो हमको समझ में आ गया। अब दूसरा इंडिकेटर क्या है? सिंथेटिक। क्या है? सिंथेटिक। ये एक पार्ट हो गया सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो बनाया जाता है इंडस्ट्री में, जिसको बनाते हैं ना इंडस्ट्री में, जिसको हम लोग बनाते हैं, तो बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर, ठीक है, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में देख लो, सिंथेटिक में आता है मिथाइल ऑरेंज, पहला आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो इसका कलर को याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे? देखो मैं लिख रहा हूं मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है रेड। बोलो कैसे? एसिड में अपना ऑरेंज कलर तो ऑरेंज ही रखा नहीं, इसमें बदलता है। ऑरेंज था, एसिड में ये रेड बन जाता है और बेस में ये येलो बन जाता है, यानी पीला बन जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको घुमा दो, इधर चला दो, इसको इधर चला दो। देखो ऊपर वाला याद रखो, हल्दी वाला का उल्टा होगा। हल्दी वाला के जो था उसका देखो, इधर रेड था अब इधर रेड हो गया, इधर येलो था अब इधर येलो। कैसे याद नहीं रहेगा? याद रखने का ऐसे टेक्निक से याद रखना है। और मैं बता रहा हूं इसमें और एक होता है फिनोफ्थेलिन। ये फिनोफ्थेलिन जो है ये अपना कोई रंग नहीं होता, फिनोफ्थेलिन का अपना रंग नहीं है, कलरलेस, उसका रंग नहीं है, रंगहीन है। तो यहां भी कलरलेस होगा, रंगहीन, कलरलेस। और इसमें जो होगा वो होता है पिंक, पिंक कलर का होता है, याद रखना इसको, इसी को याद रखने वाला। याद मेनली सिर्फ रखने वाला हमको फिनोफ्थेलिन, हमको हल्दी वाला याद नहीं रखना है। हल्दी का अपना रंग येलो होता है, हम येलो जानते हैं, साबुन लगा देते तो वो लाल बनता है, तो साबुन बना बेस, बेस में लाल बनेगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो मिथाइल ऑरेंज वाला होगा, मिथाइल ऑरेंज का इसमें रेड होगा उधर येलो होगा। और इसका फिनोफ्थेलिन का अपना रंग नहीं होता है तो ये कलरलेस, और ये बेस में होता है हमारा पिंक कलर। तो ये फिनोफ्थेलिन होगा, ये सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब इसको हम लोग केमिकल से बनाते हैं, केमिकल से रिएक्शन करके बनाते हैं, या अपना बनाते हैं लैब में यार में इंडस्ट्री में, इसको बनाया जाता है इसलिए इसका नाम है सिंथेटिक। और ये अपने आप प्रकृति में मिलता है इसलिए इसका नाम है ये चारों का नेचुरल। और एक है लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड ऑलिफैक्टरी। लास्ट वाला लिख देते हैं, लास्ट वाला आता है इसी तरह से नीचे लिखोगे, मेरा जगह नहीं बचा, इसी के नीचे लिखोगे, इधर आएगा टाइप में, दैट इज कॉल्ड ऑलिफैक्टरी। ये ऑलिफैक्टरी मतलब हुआ, ऑलिफैक्टरी हो गया, ऑलिफैक्टरी हो गया क्या? गंध वाला, जो लिखे अभी अभी किए थे प्याज वगैरह गंध। तो इसमें क्या होता है ऑलिफैक्टरी में, कौन कौन आता है भाई? जैसे आता है हमारा प्याज है, ऑनियन, ऑनियन हो गया, फिर हमारा आता है वेनिला, वेनिला, फिर हमारा आता है क्लोव ऑयल, लंग, लंग होते ना लंग का तेल, हाँ लंग ना क्या बोलते हिंदी में, जो भी क्लोव ऑयल लंग होते हैं, लबंग ना क्या बोलते, लबंग, लबंग, हाँ ऐसे कुछ, लबंग तेल, लबंग का या कुछ भी हो यार हमको नहीं आता है। तो लबंग वाला जो तेल होता है उसी को क्लोव ऑयल, वेनिला तो जानते हैं हम लोग, फ्लेवर है आइसक्रीम, आइसक्रीम वेनिला आइसक्रीम वगैरह, ऑनियन प्याज हो गया। ये जो है इस सारे के सारे को हम बोलते हैं ऑलिफैक्ट्री, मतलब गंध से पता लगाते हैं इसका, गंध से, इसलिए इसका नाम है ऑलिफैक्ट्री, गंध वाला सूचक। इसका एसिड में क्या रंग, एसिड में क्या होगा? एसिड में जो है रिटेन, रिटेन स्मेल, स्मेल को अपना बचा के रखता है। यानी प्याज का, प्याज को मैंने अगर एसिड में डुबा दिया तो प्याज का गंध खत्म नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, अपने गंध तो रहेगा, हो सकता है कि बढ़ जाए। एक तो रिटेन मतलब बचा के रखना, उसी चीज को पकड़ के रखना, या तो इंक्रीज हो जाएगा स्मेल, क्या होगा, या तो स्मेल, स्मेल बढ़ जाएगा, गंध पहले से बढ़ जाएगा, प्याज का गंध जो था पहले उससे बढ़ जाएगा एसिड में डुबाने से, या तो प्याज का गंध खत्म नहीं होगा, ये बात को याद रखना। बेस में क्या होगा? बेस में ये लूज कर देता है, लूजेस करता है ना, इट्स लूजेस स्मेल, अपना स्मेल को खत्म हो जाता है। जैसे अगर प्याज को बेस में डाल दो, प्याज का गंध खत्म। अगर प्याज कभी खा लिया और मुंह गंध कर रहा है तो ऐसा कोई चीज ले लो, इसलिए टूथपेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो टूथपेस्ट दो ऐसे कोई और ले लो, जैसे जो बेस है छार में है, तो उसमें वो लेने से क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा गंध जो मुंह का
चल जाता है। ऐसे अभी हम तो एक टेक्निक करते हैं, मसूर दाल होता है ना, प्याज वगैरह या कुछ भी ऐसे मछली ऐसे चीज खाने से स्मेल आता है, फिर उसमें थोड़ा सा मसूर का मसूर दाल जो है उसका दाना को चिबा लो मुंह के अंदर तो स्मेल खत्म हो जाता है। तो ये लूजेस स्मेल, स्मेल जो खत्म हुआ या तो स्मेल क्या होता है खत्म होगा या तो स्मेल क्या होगा डिक्रीज हो जाएंगे, पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? किसको नहीं आया इंडिकेटर? इंडिकेटर में इस जो मैंने लिखा कितने टाइप का, नेचुरल सिंथेटिक ऑलिफैक्टरी, तीन टाइप का इंडिकेटर लिख दिए। नेचुरल में रेड ब्लू रेड कैबेज टर्मेरिक मिथाइल ऑरेंज फिनोप्टेलिन सिंथेटिक ऑलिफैक्टरी ऑनियन वेनिला क्लोव ऑयल। इसका स्मेल एसिड में जैसा लंग वाला लवंग वाला तेल है उसका स्मेल अपना एसिड में वही रहेगा, वेनिला का गंध वही रहेगा एसिड में, बेस में जैसे डुबा देंगे सबका गंध खत्म हो जाएगा या तो घट जाएगा और इसमें हो तो बढ़ जाएगा। इंडिकेटर नेचुरल में मैंने बोला रेड से रखो डॉ तो एसिड में डॉ डॉ तो रेड रहेगा एसिड में हमेशा रेड, और बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू। इसको कैसे याद रखेंगे, रेड कैबेज अपना रंग रेड है तो एसिड में रेड, लेकिन अगर बेस में जाएंगे तो हम जानते हैं कि भाई गोभी का एक रंग होता है ग्रीन, और कभी हरा के अलावा तो पीला वीला तो नहीं होता है तो ग्रीन मैंने दूसरे में लिखूंगा। टर्मेरिक हल्दी का अपना रंग होता है येलो तो एसिड में हमेशा अपना रंग रहता है, येलो लिख दिए। अब हल्दी में खाने के चीज लग जाता है यानी हल्दी कपड़ा में लगेगा, साबुन से धोने जाएंगे तो वो रेड बन जाएगा, तो यानी साबुन क्या है बेस, यानी बेस में ये रेड में बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज इसका इसको उल्टा कर दोगे, किसका हल्दी वाला से उल्टा कर दोगे मिथाइल ऑरेंज का आ जाएगा। फिनोप्टेलिन अपना रंग नहीं होता है, पानी जैसा लगता है देखने में तो कलरलेस, और जब भी इसे छार में डालते तो पिंक। अरे हो गया, किसी को ऐसे ये इंडिकेटर का लिस्ट बना लो कॉपी में, मैं कह रहा 100% इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। और मैं ट्रिक के साथ बता दिया था कि इतना कंफ्यूजन हर किसी को होता है भाई किसमें कब ब्लू कब रेड कब ग्रीन कब हरा पीला पिंक कलरलेस कलर तरह तरह की चीजें, तो मैंने जो सिस्टमेटिक इसे बता दिया इसी तरह से इसको याद रखोगे कभी गलती नहीं होगा। चलो छोड़ देते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा था उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और कितना क्वेश्चन बचा था, और दो तीन क्वेश्चन बचा था, मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। तुम्हारा फिजिक्स सर आ चुके हैं, अभी फिजिक्स का क्लास होगा तो सब जुड़ जाना, ठीक है। थैंक यू सर। और सुनो और एक चीज, थैंक यू सर। ओके रिएक्टिविटी मेटल का जो मैंने रिएक्टिविटी बता रहे थे सक्रियता, उसका भी ऐसे ही लिस्ट बना देंगे, याद रखने का ट्रिक, उससे सीख लेना।